नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं बेटियों पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम मैं बेटी हूं। एक टिपिकल मारवाड़ी जाट फैमिली में जन्मी एक बेटी जो आज देश के लिए मिसाल बन गई है। शादी होने के बाद अक्सर महिलाओं को लगता है कि उनके जो सपने हैं वो यही छूट जाएंगे, बच्चे हो गए तो उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ऐसे में हमारी जो आज की बेटी है वो प्रेरणा है हर उस बेटी के लिए जो शादी होने के बाद भी अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक मादा रखती है। इस बेटी से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान की कंजर्वेटिव सोच वाली मारवाड़ी जाट फैमिली में जन्मी मोनिका चौधरी ने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि महज 19 साल की उम्र में शादी कर दी गई। अक्सर ऐसी परिस्थितियों में हम लोग चुनौतियों के आगे हार मान लेते हैं, लेकिन इस बेटी ने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने पति को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मनाया, फिर सास को जैसे तैसे मनाया। सास ने साथ तो दिया, लेकिन साथ में शर्त रखी कि राजस्थानी पोशाक पहनकर ही कॉलेज में जाएं। लेकिन इस बेटी ने सभी शर्तों को मानते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और ये बेटी अपनी इसी मेहनत की बदौलत आज एक स्कूल में प्रिंसिपल है। साथ ही समाज के लिए कुछ करने की चाह लिए इस बेटी ने मिसेज इंडिया अर्थ पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया और इस टाइटल को अपने नाम भी किया। लेकिन अब ये बेटी आगे बढ़ रही थी तो ना ही इसने परिवार को कहीं पीछे छोड़ा और ना ही अपनी परंपराओं को। परंपराओं का दामन थामे ये बेटी लगातार आगे बढ़ती रही। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की इस बेटी से। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिसेज इंडिया अर्थ मोनिका चौधरी, बहुत स्वागत है आपका खबरें। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। तो आपको सबसे पहले तो ये टाइटल मिला, आपको बहुत बधाइयां खबरें अभी तक की तरफ से इस टाइटल के लिए। कैसे आप देखते हैं इस टाइटल को आज? इस टाइटल को लेके मैं एक सोच जो है समाज के अंदर देना चाहती हूँ कि अगर आप बेटी को बढ़ावा दो तो वो क्या कुछ लाइफ में नहीं कर सकती। आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, एक एडुकेटर हूँ, एक डांसर हूँ, एक स्पोर्ट्स वुमेन हूँ और आज एक मिसेज इंडिया टाइटल होल्डर हूँ। तो आई टेक दिस एज अ प्राइड, जो मैं अपने पेरेंट्स अपने ससुराल वालों को एक तरह का प्राइड महसूस करवाती हूँ कि एक आपकी बहू जो आगे बढ़ी है, अपने संस्कारों को आगे लेके वो जो आगे बढ़ी उस प्लेटफॉर्म पे गई है, तो उनके लिए भी गर्व की बात है और अनेक महिलाओं के लिए भी ये गर्व की बात है कि वो सब भी ये सब कर सकती है। लेकिन इतने सारे रोल आप कैसे निभा पाती हैं? क्या वो एनर्जी रहती है आपके पीछे, क्योंकि आप मदर भी हैं, आप मिसेज इंडिया अर्थ टाइटल होल्डर भी हैं, आप एक अकेडमिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा भी कई सारे रोल हैं, बहू हैं आप, पत्नी हैं आप, ये सारे रोल कितनी मुश्किल होती है इनको हैंडल करने में? एक तरह से आप अपने कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक लेडी आफ्टर मैरिज बच्चों के बाद आप अपने लिए जब टाइम निकालते हैं तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपकी प्रायोरिटीज़ है। हम दो तरह की महिलाएँ समाज में देखते हैं जो शादी करके या तो घर बैठ जाती हैं और अपना करियर, अपनी लाइफ, अपने इन्जॉयमेंट सब कुछ भूल के अपने घर में घुस जाती हैं। दूसरी तरह की महिलाएँ होती हैं जो अपनी आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने हस्बैंड को लेके परिवार से अलग हो जाती हैं। तो मेरा एक ये एम है कि मैं सबको ये बताऊं, आप अपने जिम्मेदारियों को साथ लेते हुए, अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को साथ लेते हुए अपनी लिए भी आप जी सकते हैं। उसके लिए आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत है उस टाइम पर आपको वहाँ होना ज़रूरी है। ये सोच और ये समझ आपके अंदर होगी तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आई नो, जब मेरा बच्चा बीमार था उसी टाइम में मिसेज इंडिया का पेजेंट था। मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट करके, उसको सुला के, दवाई सब कुछ करके रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक आई यूज टू वर्क फॉर माई सेल्फ। रीडिंग करना है, जीके प्रिपेयर करना है, अपना ग्रूमिंग करना है, वो मैं रात में करती थी बिकॉज ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरी फैमिली को उसके लॉस में नहीं देखना है। आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, तो उसके लिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। तो ये सोच, ये समझ हर औरत के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये करके चलेंगे तो सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मिसेज इंडिया अर्थ की तरफ आपको इस पेजेंट में क्योंकि पार्टिसिपेट करना था, तो घर का सपोर्ट आपको मिला था? या डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरी सास का सपोर्ट था। दे सेड आपको जो करना है करिए, बट आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपके जो करियर है, एजुकेशनल करियर है, उसके ऊपर कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट
क्वेश्चन दे पुट ऑन मी और मैंने कहा ठीक है ये सब मैं करूँगी, बट बिकॉज जो मेरा अंदर से जज्बा होता है, आप मतलब शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो जब मैंने पहला स्टेप लिया तो उस टाइम मेरे हस्बैंड और मेरी सास ही मेरे साथ थे, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे। स्लोली एंड स्टडली जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसको मीडिया में इतना प्रोत्साहन मिला, आसपास के लोगों ने आके जब बोला तो पूरी फैमिली इसमें जुट गई। मतलब उसके अंदर हमें मिसेस पॉपुलर का टास्क दिया गया था, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होने चाहिए जी। तो यूट्यूब पे वीडियो डालना था हमें एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज शुड बी देयर। तो उसमें मेरे मामा ससुर जिससे मैं घूंघट रखती हूँ वो सारे जगह पे वो वीडियो फैला रहे हैं एंड मोर देन 20,000 व्यूज उस वीडियो पे हो गए थे विद इन 15 डेज। तो वो चीज अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है बिल्कुल। लेकिन घूंघट से बाहर आना एक बड़ी चुनौती रही होगी। घूंघट से बाहर आना, मैं अभी तक घूंघट में हूँ, बस यही है कि पर्दे पे जब थी तब घूंघट पे नहीं थी, पर्दे के बाहर हूँ तो मैं घूंघट में हूँ, बस वही डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि आपको ये टाइटल मिला तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी तो बदली होगी इस टाइटल से पहले और इस टाइटल को मिलने के बाद में, तो उसे कैसे देखते हैं आप? आफ्टर दिस विनिंग टाइटल मेरा एक चेंज मैं अपने अंदर जरूर देखती हूँ कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि खड़ी होकर किसी भी औरत के लिए खड़ी हो जाऊंगी। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उस औरत के साथ खड़े होने की हिम्मत आ गई मेरे अंदर जी। क्योंकि जो स्ट्रगल करके मैं निकली और जो स्ट्रगल के साथ मैंने अपने एक एक कदम रखा, तो उस चीज़ में मैं ये सोचती हूँ अगर मैं, मेरे को प्रोत्साहन करने वाले को कम लोग थे, पर अगर इस लेडी के साथ मैं खड़ी हूँ तो शायद वो आगे बढ़े। लेकिन मोनिका जी, क्योंकि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, तो ऐसे में जब आपको टाइटल मिला, जब स्कूल में बच्चों को पता चला कि अच्छा हमारी जो प्रिंसिपल है स्कूल की वो एक मिसेज इंडिया अर्थ का टाइटल जीत के आ रही हैं, तो स्कूल में कैसा रिस्पांस था, बच्चे कितने जो है खुश आपकी नजर आए स्कूल के? ये एक बहुत स्टीरियोटाइप मैंने ब्रेक किया, बिकॉज प्रिंसिपल मतलब वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, टिपिकल साड़ी में हेयर टाइट विद अ बिग स्पेक्स, ये एक प्रिंसिपल की आइडेंटिटी है सभी बच्चों के दिमाग में। हाँ, स्कूल में जब हूँ मैं इस तरह से हूँ, बट जब मैं पेजेंट के लिए वहाँ गई और जब मैं जीत के आई तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मतलब सारे पेरेंट्स मेरे पास आए, मैडम यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर आर चिल्ड्रन, आपने जो वहाँ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया वहाँ मैंने अपनी मर्यादा नहीं जाने दी, बिकॉज एक फेदर कॉस्ट्यूम राउंड करके था तो सारे जो अदर पेजेंट कंटेस्टेंट्स थे तो देवर इन लाइक फेदर कॉस्ट्यूम शॉर्ट ड्रेस एंड ऑल, मैंने वहाँ पर सरस्वती का गेटअप लिया और स्वान के फेदर लगाए, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटीज गोज टुगेदर। तो वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हुआ सबके लिए कि ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। मतलब एवरी स्टेप वेयर आई वेंट देयर आई नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माय ट्रेडिशंस, बिकॉज हम जो पर्दे में रहते हैं तो वहाँ स्टेज पे जाके शॉर्ट ड्रेस में नहीं रह सकते, तो अलग तरह से जब मैंने अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया वो मेरे लिए प्लस पॉइंट। तो मोनिका जी, आपने हमेशा ट्रेडिशंस को साथ में लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि 19 साल की महज एक छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई, बहुत कुछ तमन्नाएं होंगी दिल में करने की जो अब जाकर आपने हासिल भी की है, कैसा रहा ये पूरा सफर? 19 साल की उम्र में शादी जब मेरी हुई तब आई वॉज जस्ट इन बीएससी फर्स्ट ईयर में थी और मेरे हस्बैंड भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से 12th पास करके एयरफोर्स में चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये आप ये कह सकती है कि हम सफ़र इस तरह से मिले कि दोनों साथ चल के एक मुकाम तक पहुँचे। जब हम मेरी शादी हुई तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरी एजुकेशन पूरी होगी, बट एक बार हिम्मत करके मैंने सवाल किया मेरी मदर इन लॉ से कि मुझे पढ़ना है, तो उस टाइम उन्होंने जवाब नहीं दिया। महीने भर बाद जब मैंने यही बात अपने हस्बैंड से कही तो हम दोनों ने मिलकर मेरी सास को समझाया कि इनको पढ़ना है और इनके अंदर वो कैपेसिटी है कि कर सकती हैं, तो हमें इनको साथ देना चाहिए। तो मेरी सास ने बस एक ही कंडीशन रखी, आप जब घर से निकलोगे तो आप सलवार सूट पहन के नहीं जाओगे, आप साड़ी पहन के नहीं जाओगे, आपको पोशाक पहन के ही जाना है और घर से निकलते वक्त आपका घूंघट होना चाहिए। वो सोच जब उन्होंने मुझे कंडीशन रखी, इनिशियली मुझे था कि मैं कॉलेज जाऊंगी सब हंसेंगे मेरे पे किस तरह से आ रही है, बट जो मुझे करना था तो आई एनी हाउ गैदर्ड माई सेल्फ और मैंने सोचा कि चलो करना है तो बस ये सब कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ेगा। जब कॉलेज में जाते थे तब भी सब लोग बोलते थे घूंघटा गर्ल आ गई, बट धीरे धीरे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बीएससी करी, एमएससी, एमए, बीएड, नेट, सेट, एसटेट, आरटेट, सीटेट, आई एम प्रेजेंटली परस्यूइंग विद माय पीएचडी। बट उस समय के बीच में 23 साल में मेरे दो बच्चे थे, बच्चों को हाथ में लेके मैंने अपने एग्जाम्स दिए, हैड माय सीजेरियन बेबी, तो एग्जाम टाइम पे भी अगले ही दिन, बेबी होने के अगले दिन मेरा एग्जाम था, तो बेड से उठ के मैं एग्जाम देने के लिए वहाँ गई जी।
तो वो जो स्ट्रगल अगर मैं बैकलॉग में देखती हूँ तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं होता अगर मेरे सास का या मेरे हस्बैंड का इतना भी सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता। मेरे हस्बैंड 12th पास थे और एयरफोर्स में थे, तो उनको घुटने के लेगमेंट की टूट गया, तो उस वजह से ही वॉज नॉट एबल टू गेट प्रमोशन। तो उन्होंने डिसाइड किया वो भी पढ़ेंगे, तो मेरे साथ उन्होंने अपनी बीकॉम कंप्लीट की और देन पीओ एग्जामिनेशन दिए और आज वो ब्रांच मैनेजर है और मैं प्रिंसिपल।